तो हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास टेंथ में, और हम लोग पढ़ रहे थे 5.2 प्रश्नावली। बच्चों 5.1 कंप्लीट हो गई थी, 5.2 भी क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्थ के फर्स्ट तक कंप्लीट हो गई थी बच्चों। तो इसकी जितनी भी वीडियो, जितनी भी पीछे पड़ी वीडियो, सब बच्चों पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं आज फिफ्थ के सेकंड से, देखते हैं और क्या क्या लिखा है फिफ्थ के सेकंड में, क्या क्या नए क्वेश्चन है वो जानेंगे। देखिए बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको बहुत काम आएगा बच्चों आगे, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए, हर एक चीज़ ध्यान से समझिए बच्चों। जो भी ना समझ में आए, एक चीज़ भी ऐसी जो ना समझ में आए आप लोग को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करिए बच्चों, तो मैं इसको दोबारा भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर टू पर, फिफ्थ के सेकेंड पर बच्चों, ठीक है। फिफ्थ का सेकेंड देखते हैं क्या लिखा हो बच्चों। फिफ्थ नंबर में हेडिंग क्या दी बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने थे, तो मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो एन होता है बच्चों, ठीक है। अगर बोलेगा विच टर्म, तभी वो एन की बात कर रहा है, और नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तब भी वो एन बात कर रहा है बच्चों। तो सीरीज क्या लिखिए, एपी लिखिए 18, 15 होल 1/2, 13 कॉमा डैश 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 सॉरी -40। ओके, ये हम लोग में एक एपी दे रखी है, और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे यहां तक बच्चों, -47 लिखा बच्चों। ए इक्वल टू यहां पे बताया कोई, ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। भाई सब लोगों को मैं बता चुका हूं पीछे वाले वीडियो सब, मैंने डिटेल में सब बताया बच्चों, ठीक है। एक एक चीज मैंने बता रखी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीछे वाली वीडियो देख लीजिए बच्चों, है ना, उसकी लिंक पड़ी होगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग देख सकते हैं बच्चों। तो ए इक्वल टू 18, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बताया था मैंने किस प्रकार से निकालते हैं डी बच्चों, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, माइनस करते हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म। 15 to 30, 31 किया बच्चों, कितना बचेगा 31/2, और माइनस का यहाँ कितना 18, एल वन मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 2, 31 यहाँ सेम रहेगा, 1 2 2 क्योंकि 2 2 मैच कर रहा है, 1 2 2 2 18 36। ओके बच्चों, 36 में 31 जाएगा तो कितना बचेगा, ये वैल्यू बड़ी है तो इसीलिए कितना आ जाएगा माइनस का 5/2, डी इक्वल टू कितना आ गया -5/2। अब एल भी हम लोग को पता है, लास्ट टर्म यहाँ पे दे रखा कितना बच्चों, -47। ओके बच्चों, एल भी दिया आपको कितना, माइनस का 47। डी समझ में आ गया बच्चों किस प्रकार से निकाला मैंने, और एल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस का 47। ए की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 18। एन की जगह बच्चों कुछ भी नहीं किया, एन फाइंड करना। डी की जगह बच्चों -5/2, 18 को इस साइड ले चलेंगे बच्चों, -47 और ये माइनस का 18 इक्वल टू में एन माइनस वन इंटू -5/2, ठीक है। अच्छा, ये माइनस 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 क्या होता है बच्चों, बोलिए प्लस, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, -87 बच्चों 15 और 415 और 16, ठीक है बच्चों। और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा बच्चों, इक्वल टू में एन माइनस वन इंटू -5/2। अब बच्चों एन निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, ये डिवाइड में है तो कहां पहुंच जाएगा, इंटू में, और ये इंटू में तो कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो -65 इंटू कितना हो जाएगा 2, और अपॉन में कितना जाएगा बच्चों, बोलो माइनस का 5, इक्वल टू में क्या बचा, ओनली एन माइनस वन। अब ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये हटा तो ये ओपन हो गया ब्रैकेट। ये समझाया, 2 कहाँ गया ऊपर, 5 कहाँ गया नीचे, 2 इंटू में और 5 डिवाइड में, क्योंकि 5 यहाँ इंटू में था तो वो डिवाइड में पहुंच गया। बहुत बच्चे क्या करते, सोचते हैं माइनस में तो प्लस में भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए ज्वाइंट किस में, इंटू में ज्वाइंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर 5 नीचे। माइनस से पहले माइनस काट दो, 5 से काट दीजिए, 5 बन जाए 5, कितना बचा 1 बचा, 1 इसमें लगा दीजिए, 5 3 15, 13 2 26, ओके, इक्वल टू में एन माइनस वन, 1 इस साइड भेज दीजिए, 26 + 1 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 27 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। माइनस वन उस साइड गया क्या हो जाएगा, +1, और ये एड वन कितना जाएगा, एन इक्वल टू 27 हो जाएगा।
तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पर बच्चों 27 है बच्चों। यहाँ पे सभी लोग को समझ में आ गया कि यहां से लेके यहां तक तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हो जाएंगे 27 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है चले आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों फिफ्थ का सेकंड हो गया बच्चों, फिफ्थ का फर्स्ट मैंने कल ही लगवा दिया था। ठीक है तो चलते हैं 6 के सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों। ओके क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बच्चों चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि चेक करना है कि जो टर्म है -150 क्या वो इस सीरीज में आएगा 11, 8, 5, 2... क्या इस सीरीज के अंदर -150 है कि नहीं है। देखिए बच्चों -150 इस सीरीज के अंदर है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग क्या मानेंगे इसको लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए एनेट टर्म लेट कर लेंगे। पहले समझिए क्वेश्चन का मतलब क्या बोल रहा है। जैसे ये सीरीज चल रही है 11, 8, 5, 2 तो तीन दिन गैप है बच्चों -3 का सॉरी बच्चों क्योंकि तीन बच्चों क्या हो रहा कम हो रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। तो यहाँ पर चलते 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 थे क्या -150 इस सीरीज के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए हम लोग जब टर्म पढ़ते तो ऐसे पढ़ते हैं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म सेवन टर्म इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो इसको भी लेकर हम लोग क्या करेंगे एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर n का आंसर एक नेचुरल नंबर आ गया मतलब कुछ भी इस टाइप में आ गया जो प्लस में हो और मतलब नेचुरल नंबर जानते हैं ना सब लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आ गया इसमें तो यस वो क्या है -150 उस सीरीज के अंदर है। लेकिन कहीं माइनस में या फ्रैक्शन में आ गया तो फिर वो नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि n की वैल्यू मैंने बता रखी है आप लोग को पहले ही क्या होती है एक नेचुरल नंबर होती है। ओके बच्चों तो इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे an और n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो पहले यहां मुझको बताइए a कितना है बच्चों a की वैल्यू सबको आ गया बच्चों 11। ठीक है d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 - 11 तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 11 में 8 जाएगा कितना बचेगा -3। इसको लेट कर लेते हैं an an इक्वल टू कितना -150 150। ओके अब बच्चों फॉर्मूला जो होता है nth टर्म का बच्चों ये हमने लेट कर लिया बच्चों कि nth टर्म -150 है an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d an की जगह हम लोग क्या रख देंगे -150 a की जगह हम लोग कितना रख देंगे 11। ठीक है a की जगह 11 n हम लोग को फाइंड करना -1 d कितना है बच्चों -3। ओके ब्रैकेट में लगा लिखना बच्चों -3 है 11 को इस सेट भेजेंगे प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना और यहां पे n -1 इनटू माइनस का 3 ये माइनस और ये माइनस क्या होता है प्लस होता है तो कितना हो जाएगा 1, 6, 1 दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। ठीक है समझ में आ गया सब बच्चों को माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का यहाँ पे n माइनस 1 इनटू क्या है माइनस का 3। अब माइनस 3 को कहाँ भेज देंगे डिवाइड भेज देंगे अपॉन में आ गए n माइनस 1 ये माइनस से माइनस किया जाएगा कट जाएगा। अब देखिए 3 से कट रहा है क्या 3, 5 = 15 1 बचा 11 हुआ मतलब कि कट नहीं हुआ मतलब ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है 1 इधर भेज दीजिए प्लस 1 कर दीजिए अभी। ठीक है तो इसमें एलसीएम ले लीजिए थोड़ा सा क्योंकि अब तो कट नहीं मतलब फ्रैक्शन में आंसर आएगा 3, 3 1 = 3 तो ये तो वही रहेगा और इसके नीचे 1 तो 1, 3 = 3, 3 1 = 3 तो कितना हो जाएगा 1, 6, 4 अपॉन में 3। देखिए कट हो रहा क्या 3, 5 = 15 1 बचेगा 14 हो जाएगा ये मतलब ये कट नहीं हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सिंस n इज नेचुरल नंबर n क्या होता है बच्चों नेचुरल नंबर होता है तो ये नेचुरल नंबर है क्या ये तो फ्रैक्शन है ना रैशनल नंबर है तो देयर फोर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी मतलब जो गिवन एपी है वो इसका टर्म नहीं होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं आ रही। अगर यहीं पे एक नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितने भी नंबर सिंपल होते हैं जो काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं इनको अगर उसमें आंसर आता तो यस ये पॉसिबल हो जाता है बच्चों। लेकिन अभी फिलहाल ये -150 इस सीरीज के अंदर तो नहीं आएगा। सभी बच्चों को आ गया ना
मतलब इस सीरीज को अगर पढ़ेंगे तो माइनस 150 नहीं आएगा। और सभी बच्चे सोच रहे हैं अगर माइनस 3 गैप है तो 3 से अगर ये कट रहा है तो मतलब 150 प्रेजेंट होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस अगर कट रहा है तो ये नहीं कि उस सीरीज के अंदर आ रहा है बच्चों, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ध्यान रखिएगा। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, अब देखते हैं 7 में क्या लिखा है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 7 अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा हर एक चीज़ बच्चों, ठीक है, तभी आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st, देखिए ऐसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 31st, एक मिनट मार्कर चेंज कर ले बच्चों, 31st ऐसे लिखा है। तो मैंने बताया था ना ये जो nth th लिख के rd लिख के या st लिख के आए तो वो सब an होता है, मतलब हम लोग को ये कहीं ना कहीं A31 हम लोगों से पूछ रहा है। बताइए शुरुआत में मैंने बताया था ना कि an वगैरह जो भी टर्म होते हैं वो nth टर्म, जैसे ये st लिखा तो बात तो वही है ना, तो ये क्या पूछा है A31 हम लोगों से पूछ रहा है, मतलब 31 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा वो हम लोगों से पूछ रहा है। अभी एपी नहीं दे रखा हम लोग को, एपी दे रखा तो सिंपल होता है, इन्होंने आगे लिखा है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38, हुज 11th टर्म, 11th का मतलब हो गया A11 दे रखा है हम लोग को 38, 11th है लिखा है, TH 11th term is 38 and 16th लिखा है साफ साफ, सब में 11th में भी TH लगा है, 16th में भी TH लगा है बच्चों, तो 16th term जो हम लोग को दे रखा है वो दे रखा है 73, ओके okay? और बोल रहा कि 31st term फाइंड करिए। तो मैंने बताया था आप लोग को पीछे कि आप लोग को अगर दो टर्म पता है बच्चों सीरीज में तो आप लोग कोई भी टर्म फाइंड करना हो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना तो ए है ना तो डी है, क्योंकि इसको निकालने के लिए ए और डी दोनों चीज़ चाहिए, और ए और डी मिले कहाँ से, इन दोनों से मिलेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस जो लेट कर लिया हमने क्या डी, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला बच्चों बताइए क्या होता है, हमें बताया अभी आप लोग को nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा ये टर्म तो फाइंड करना है तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये दोनों गिवन तो इनका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है a 11, अगर मैं a 11 मतलब n की जगह कितना गया बच्चों यहाँ पे 11 करूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा कोई बताएगा, a प्लस ये क्या लिखा है n, अब कितना आ गया 11 तो यहाँ पे 11 माइनस 1 इंटू डी, बताइए बच्चों इतना आ गया। अब a 11 की जो वैल्यू है वो कितनी है 38 है, मतलब a 11 जगह मैंने 38 पुट कर दिया और a प्लस 10 डी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि अब यहाँ पे सॉल्व तो होगा नहीं, ना तो ए पता है ना तो डी पता है हम लोग को, ठीक है बच्चों। अब चले थे यहाँ पे क्या लिखा 16, चलिए अब 16 लिखिए ए 16, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी, ए 16 की वैल्यू कितनी है बच्चों 73, तो ए प्लस 15 डी, ये आ गया सेकेंड, ओके okay? इतना आ गया सब लोग को, ए 16 की वैल्यू दे रखी 73 मैंने आप पुट कर दिया बच्चों। अब इनको सॉल्व करना है बच्चों, है ना, कैसे करेंगे तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए बच्चों इसको सही से देखिए, इसको आगे लिखिए इसको पीछे लिख दीजिए, मतलब ये जो फाइंड करना है ए प्लस 10 डी इसको हमने ऐसे लिख लिया इक्वल टू में 38, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों भाई, इसको इधर लिख दिया इसको इधर लिख दिया कोई दिक्कत नहीं होती है, और इसको भी इसी प्रकार से ए प्लस 15 डी इक्वल टू में 70। अब देखिए यहाँ पर ए और ए सेम है
तो कट सकते हैं, लेकिन दोनों प्लस के हैं तो ऐसे तो कटेंगे नहीं बच्चों, तो इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए ए प्लस था, ये माइनस था, कट गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, ये 10 प्लस का है, ये 15 जो है ये माइनस का है, तो 15 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ बचेगा माइनस का 5d, क्योंकि 15 बड़ी वैल्यू है और 15 में 10 जाएगा तो इसीलिए 5, और ये माइनस का है इसीलिए किसका जगह माइनस। अब देखिए ये 38 प्लस का, ये किसका माइनस? तो प्लस माइनस माइनस होता ना, तो माइनस करिए, लेकिन 73 से 38 माइनस होगा, तो 73 से 38 माइनस करेंगे तो ये इससे लेगा 13 में जाएगा 5, 6 में 3 जाएगा 3, लेकिन क्या ये माइनस का बचेगा? क्योंकि बड़ी वैल्यू तो ये है, तो ये माइनस का है तो इसीलिए माइनस में बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे, तो 5 नीचे पहुँच जाएगा तो अपॉन, ओके। अब 5 7 जा, डी इक्वल टू 7, डी की वैल्यू कितनी आ जाए बच्चों बोलो? 5 7 जा मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब D की वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर लीजिए, चाहे यहाँ पुट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पुट करने पर आप लोग A फाइंड कर सकते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर ले, तो फर्स्ट को पहले लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल टू में 38, और A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू में 38, A प्लस कितना जाएगा? 70, 10 7 जा 70, ठीक है 38। इसको इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, 38 माइनस 70, A इक्वल टू 10 में 8 गया कितना बचेगा? 2, 10 में 8 गया कितना बचेगा? 2, और यहाँ 6, 6 में 3 गया 3 बचेगा, वो भी माइनस का 32, क्योंकि 70 बड़ी वैल्यू है ना, इसलिए माइनस में, तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, ओके। वो समझ आया, 10 में 8 गया 2, 6, 6 में 3 गया 3, ओके। अब ए की वैल्यू भी आ गई, हमें फाइंड कौन सा टर्म करना था? 31st टर्म। तो अब 31st के लिए पहले फॉर्मूला बताइए, जैसे यहाँ ए एन था तो अब 31st है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ओके बच्चों सभी लोग को आ गया। तो A की जगह कितना आया? माइनस का 32, 31 से 1 गया बच्चों कितना बचेगा? 30 बचेगा, इंटू डी की जगह कितना आया? 7, तो यहाँ 7 माइनस 32, 7 3 जा 21, 210, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो 210 से हम लोग 32 को माइनस करेंगे, 10 में 2 गया 8, ओके 10 में 2 गया यहाँ पे 10, 10 में 3 गया 7 और ये 1, तो कितना जाएगा? 178, वो भी प्लस का, बिकॉज ऑफ 210 बड़ी वैल्यू है तो उसी का साइन लगेगा प्लस का। हमेशा ध्यान रखिए, जो बड़ी वैल्यू होती है उसी के साइन लगते हैं जिससे हम लोग घटाते हैं, इससे घटा रहे ना इसको, तो ये बड़ी वैल्यू है, मतलब ये प्लस में है तो ये प्लस में, अगर ये माइनस में होता तो माइनस में आंसर आता है, जो सिंपल सी बात है बच्चों यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दो बार पहले तो हम लोग को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ए निकाल डी निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, फिर आप लोगों को कोई भी टर्म फाइंड करना उसको फॉर्म लगा के आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। सभी बच्चों को अच्छे से आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, तो चले आगे क्वेश्चन नंबर किस तरह बच्चों? 8 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बच्चों, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक ए पी में कितने टर्म है? 50, तो बताएगा ये 50 क्या दे रखा है? 50 टर्म्स मतलब n हो गया, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 50 टर्म्स है, विद टर्म ऑफ विच थर्ड, थर्ड मतलब फिर समझिए, थर्ड का मतलब वही a3 हो गया बच्चों, थर्ड a3 इक्वल टू 12, समझ आया बच्चों? थर्ड टर्म इज 12, तो a3 इक्वल टू 12, एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब l इक्वल टू 106, ओके। फाइंड 29th टर्म, फाइंड हम लोग क्या करना है बच्चों? 29th टर्म हम लोग को फाइंड करना है, a29 हम लोग को फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो सेम लगेगा बच्चों क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, पहले a लेट कर लेना बच्चों, फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे मैंने पीछे लिखा था उसी प्रकार लिख दीजिएगा, यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a यहाँ पे n की जगह कितना लिखेंगे? 3,
तो a की जगह a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी की जगह डी, ए थ्री की वैल्यू कितनी है 12, तो a प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 2d। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी यूज l, l का फॉर्मूला बच्चों सेम होता है यही फॉर्मूला, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए यहां पे n की जगह 3 आया तो यहां पे 3, अब यहां पे n की जगह 50 यूज करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमारा जो होगा वो 50 टर्म होगा बच्चों, है ना। तो l की जगह कितना बच्चों 106, a की जगह a प्लस n की जगह 50 माइनस 1, ठीक है 106 इक्वल टू a प्लस 49d। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी है a प्लस 2d इक्वल टू 12, और ये क्या लिखा है a प्लस सॉरी 49d, a प्लस 49d इक्वल टू 106। माइनस करेंगे वो सॉल्व करने के लिए, तो ये माइनस ये माइनस ये, तो ये कट जाएगा। अब 49 माइनस का है 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 47d। 106 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में 2 गया बच्चों 4, तो माइनस का 94, क्योंकि यहां जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। माइनस से माइनस फिर कटेगा तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 94 अपॉन 47, और 47 टू जा होता है बच्चों कितना 94, डी इक्वल टू कितना जाएगा 2, ठीक है। अब डी की वैल्यू कहां पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 2d इक्वल टू 12, ए प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, ए प्लस 4 इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12 माइनस 4, प्लस है तरह की क्या जाएगा माइनस, ए इक्वल टू 8, ठीक है ए 8 आ गया, डी कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें निकालना क्या है 29th टर्म, तो 29th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ 29 तो यहाँ पे क्या जाएगा 29, ए की जगह कितना रखेंगे 8 प्लस यहाँ पर 28 इंटू डी कितना है बच्चों 2, ठीक है बच्चों। आप बताइए 28 टू जा कितना हो जाएगा 56, और 56 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 8 6 14 मतलब 64, ये क्या आ गया 29th टर्म बच्चों, ठीक है सब लोग को अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 से बच्चों कल से लगवाएंगे बच्चों, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच।